हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी मैं अद्विक को रेडी कर रही हूँ क्योंकि माही चली गई है स्कूल, और माही को मतलब माही को टिफ़िन वगैरह बना के दे दिया था, तो अद्विक के लिए टिफ़िन बना के रख दिया है मैंने। और अभी अद्विक उठाया है और अद्विक को रेडी कर रही हूँ। तो इसी तरह से जब माही रहती है तो माही के उससे थोड़ा सा वो भी उठ जाता है, मतलब उसको लगता है कि दीदी तैयार हो गई है, दीदी अभी स्कूल जाएगी तो मैं भी जाने वाला हूँ स्कूल, ऐसे करके वो मतलब खुशी खुशी से रेडी होता है। तो जब माही स्कूल चली जाती है तो उसके बाद मैं उसको रेडी करती हूँ। जब तक माही रहती है घर पे तो उसके बाद तब तक तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं रहता है, क्योंकि माही के टिफ़िन बनाने होते हैं, अद्विक का टिफ़िन बनाना होता है, और फिर उसके बाद मुझे जब माही को बाय करके आती हूँ उसके बाद मैं अद्विक को उठाती हूँ। तो आज अद्विक माही मतलब माही जाने से पहले ही उठ गया था, क्योंकि माही ने उठा दिया था। माही को लगा था कि मैं उसको तैयार करूँगी, मतलब वो उसको रेडी करेगी, बट उसका मन नहीं कर रहा था इतने सुबह सुबह रेडी होने का, तो इसी वजह से मैंने उसको बाद में रेडी किया। और इसी तरह से अभी उसको मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ मामाअर्थ का, तो ये वाला मॉइस्चराइज़र उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से ये वाला मॉइस्चराइज़र मैं उसको लगा के दे दे रही हूँ। और इसके बाद मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, मतलब बैग पैक कर रही हूँ, तो इसी वजह से अभी उसको आई कार्ड वगैरह पहना दूँगी, और उसके बाद उसके शू वगैरह बना दूँगी। उसके बाद उसके पापा जो है उसको स्कूल में छोड़ देंगे, और उसको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर उसका फ़ोटो है करके, तो उसको थोड़ा सा ऐसे ही बहला बहला के मुझे रेडी करना होता है। थोड़ी देर मैंने रेस्ट की और उसके बाद फिर अद्विक ने परेशान किया, और इसीलिए अभी आपसे बात कर रही हूँ। और हाँ, मुझे करना है अभी ब्लीच और फेशियल, तो ये मेरे पास है ऑक्सी ब्लीच, आप लोगों को पता ही है, इससे पहले भी मैंने आपसे शेयर किया है, ये ऑक्सी ब्लीच है मेरे पास। और इसके बाद है ये मेरे पास VLCC का डायमंड फेशियल किट, तो इससे मैं फेशियल बाद में करूँगी, पहले मैं ब्लीच कर लेती हूँ, क्योंकि तबीयत खराब थी तो मुझे खुद को ही एकदम डल डल सा फील हो रहा है। मैं अपने फेस को देख रही हूँ, बिल्कुल डल हो गया है। बस इयररिंग्स निकाल लेती हूँ क्योंकि उस पर वो क्या बोलते हैं, तो उस पर लगेगा ब्लीच, तो इसी वजह से। और इस तरह से आपने कोई भी ज्वेलरी पहनी हो तो वो निकाल देनी है आपको, और उसके बाद आपको फेशियल या ब्लीच करना है, नहीं तो वो बीच बीच में आ जाती है। और ये अद्विक देखो, अद्विक पैच निकालना नहीं, अभी इसके बाद नहीं निकालना, वो उसका गम निकल जाता है ना बेटा, यहाँ पर आके बैठ जाओ। तो अभी मैं ब्लीच करने वाली हूँ, और यहाँ पर ये अद्विक ने ना मस्किटो वाला वो हमार वाला पैच लगाया है, तो ये ना वो इसको इतना पसंद है, उसके वो उसके ऊपर कार्टून लगाया होता है, मतलब कार्टून का पिक होता है ना, देखो निकाल ही देता है इस तरह से। दीदी ने कैसे कसं लावलं, इथे इथे लावलं ना दीदी ने, मध्ये तू पण तिथेच लावायचं, आता मध्ये मध्ये बोलू नये हा द्विक। तो इसी वजह से क्या हुआ है, तो बिल्कुल डल लग रहा था मुझे फेस, तो मैंने सोचा चलो वो, अरे मैंने वो ही नहीं लाया माही, वो ब्लू कलर का मशीन पे रखा होगा। हाँ, तो मैंने सोचा चलो ब्लीच कर लेती हूँ। और हाँ, एक और रीज़न है ब्लीच करने का और फेशियल करने का, कि अद्विक का बर्थडे आने वाला है, मतलब 2 दिन बचे हैं अद्विक के बर्थडे के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, तो इसी वजह से अभी ये वीडियो पता नहीं अद्विक के बर्थडे के पहले दिन आएगा, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ, थोड़ा सा ग्लो भी आ जाएगा फेस पे, नहीं तो बिल्कुल डर डर सा लग रहा है, खुद को देखने का मन नहीं कर रहा है मेरा, तो इसी वजह से। और अभी ना ऐसे तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती इतना, तो इतना मतलब केयर करने का भी मन नहीं करता है, फेस वॉश करने का भी मन नहीं करता है, और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, इसी वजह से मैं थोड़ा सा फेस केयर अपना कर नहीं रहती, स्किन केयर कर नहीं रहती अच्छे से, तो इसीलिए अभी मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। और ये ना इसमें पोस्ट ब्लीच क्रीम आती है एक, मैंने अभी पोस्ट ब्लीच क्रीम ही हाथ में ली है, और एक आती है प्री ब्लीच क्रीम ब्लीच में, तो ये प्री ब्लीच क्रीम है, मतलब ब्लीच करने से पहले लगाना होता है इसे, तो मैं अभी अप्लाई कर लेती हूँ। और आपके फेस पे ना ब्लीच करने से पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, फेस वॉश किया हुआ क्लीन फेस होना चाहिए आपका, कुछ भी नहीं मतलब मेकअप वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए आपके फेस पे, तो इसीलिए अभी मैंने फेस वॉश किया और अच्छे से, और अभी ये वाली जो क्रीम है प्री ब्लीच क्रीम वो अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, तो और उसके बाद ब्लीच करना है हमें। तो ब्लीच करने के लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या स्टेप करनी है, मतलब पार्लर जैसा ब्लीच आप घर पे कर पाओगे, तो इसी वजह से। और हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि मतलब YouTube पे ही वीडियो डालते हैं, बट मतलब उनको ये भी नहीं पता है कि स्टील की कटोरी वगैरह यूज़ नहीं करनी है,
ब्लीच के लिए, तो स्टील की कटोरी यूज करते हुए देखा मैंने बहुत सारे लोगों को, यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं और वो भी इतना गलत सलत बताते हैं। मुझे भी अजीब सा लगता है कि यार इनका देख के लोग सीख रहे होंगे, तो इनको समझना चाहिए कि हमने खुद को आना चाहिए, मतलब कम से कम थोड़ा सा खुद को तो आना चाहिए कि जब हम लोग वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे तो खुद को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि स्टील की कटोरी यूज़ नहीं करनी चाहिए, या कुछ भी किसी भी चीज़ में जब हमें नॉलेज होता है तभी हमें डालना चाहिए, या तो अदरवाइज क्या होता है कि दूसरों के फेस से या स्किन से नहीं खेलना चाहिए यार, मतलब नहीं आता है तो मत डालो ऐसे वीडियोस, बट जब आता होगा तभी डालो। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ क्लियर कर देती हूँ। मैंने ही एक दो वीडियो ऐसे देखे हैं कि जिसमें लोग कटोरी यूज़ कर रहे हैं, स्टील की कटोरी यूज़ कर रहे हैं, छोड़ो जाने दो। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की इसमें कटोरी आती है, ये वाली, मतलब ये वाला कंटेनर आता है इसमें प्लास्टिक का, तो अगर आप छोटा ब्लीच यूज़ कर रहे हो, मतलब छोटा ब्लीच ले रहे हो तो उसमें नहीं आएगा, अगर आप बड़ा ब्लीच ले रहे हो तो उसमें आएगा, मतलब ये बड़ा वाला पैक है, ये पार्लर पैक है एक्चुअली, तो यही मैं लेके आती हूँ। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो आपको मिलती है 2 ईयर की, तो आराम से 2 ईयर तक मुझे चला जाता है, मतलब ये तो अगर मैं बीच में भूल भी जाती हूँ करना तो आराम से चलता है मुझे ये 2 ईयर तक, तो इसी वजह से मैं यही लेके आती हूँ पार्लर पैक। तो और सस्ता भी पड़ता है पार्लर पैक, अगर आप लेके आते हो तो आपको बहुत ही सस्ता पड़ता है, तो इसी वजह से मैं ये बड़ा वाला लेके आती हूँ। और ना इसमें इस तरह से क्रीम होता है लाइट ब्लू कलर का, तो आपको लेना है लाइट ब्लू कलर का क्रीम 1 स्पून। मैं इसी तरह से मेजरमेंट ले रही हूँ अभी, तो इसमें का स्पून जो है वो मुझसे गुम हो गया है, तो अभी इस तरह से मैं ब्रश से ले रही हूँ, तो इस तरह से मेजरमेंट ले रही हूँ अभी। स्पून में जितना आता है आप अभी देख सकते हो, छोटा सा स्पून रहता है उसमें, तो इस तरह से अगर मेजरमेंट लोगे तो ये 1 स्पून हो गया, और 1 स्पून में थोड़ा सा आपको, मैं ना थोड़ा सा और भी लूंगी क्योंकि मुझे नेक पे अप्लाई करना है, थोड़ा सा ज़्यादा लूंगी 1 स्पून से, 1.5 स्पून वगैरह। तो इसमें आपको ना स्पून के अकॉर्डिंग ये लेनी है, मतलब जो अपना क्या बोलते हैं इसे एक्टिवेटर होता है वो स्पून के अकॉर्डिंग लेना है, तो इसमें मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ और इसके अकॉर्डिंग लेती हूँ। तो एक्टिवेटर ना आपको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना है, जैसे एक चुटकी में बैठता है उतना एक स्पून के लिए चाहिए होगा हमें, और इतना रह गया है तो इतना मैं, मतलब 1.5 स्पून वगैरह लिया है मैंने, तो उसके लिए मैंने उतना ले लिया है एक्टिवेटर। और एक्टिवेटर आपको ध्यान से यूज़ करना है, ज़्यादा एक्टिवेटर भी हो जाए ना तो थोड़ा सा आपके फेस पे प्रॉब्लम हो सकता है, दाने वगैरह आ सकते हैं, और मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम उससे हो सकते हैं ज़्यादा एक्टिवेटर होने से, तो इसी वजह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और हाँ, स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपको रखना है इसे, अगर ब्लीच करते हो आप, अगर आपकी स्किन टोन जो है वो ज़्यादा ही डार्क है तो आपको स्किन टोन के अकॉर्डिंग ब्लीच रखना है, नहीं तो आपका फेस मतलब आर्टिफिशियल टाइप का दिखेगा, आपके हेयर वो तो बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाएंगे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे। तो अगर आपका फेस मतलब फेयर है तो आप 20 मिनट रखिए, आपका फेस मीडियम है तो आप रखिए मतलब 10 मिनट या 15 मिनट आप रख सकते हो, और अगर आपका फेस ज़्यादा ही डार्क है तो आप 5 मिनट ही रखिए, उससे ही आपका हो जाएगा। और इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है आपको, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा सा मिक्स करने के लिए टाइम देना है आपको, अच्छे से मिक्स करना है इसे, उसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है आपके फेस पे, अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद आपको अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लेना है इसे। अब मेरा ये जो पेस्ट है वो रेडी हो चुका है, मतलब जो क्रीम है वो एक्टिवेटर वगैरह उसमें मिक्स हो चुका है अच्छे से, अब मैं इसे अप्लाई कर लूँगी। और अच्छे से अप्लाई करना है आपको, आपके जो हेयर है यहाँ पर ज़्यादा हेयर रहते हैं आपके, तो जो बेबी हेयर है मतलब वो जो फेस पर हेयर होते हैं वो आपके झुक जाने चाहिए, इस तरह से डायरेक्शन में आपको इसे अप्लाई करना है, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे अप्लाई करना है आपको। मैं आपको जो मतलब पार्लर में जैसे सिखाया जाता है उस तरह से आपको सिखा रही हूँ, मतलब पूरे डिटेल में आपको सिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसे अप्लाई करना है, और जब आप चेक करते हो मतलब हो चुका है या नहीं हो चुका है, मतलब इस तरह से आप जब अप्लाई कर लेते हो पूरा, जब चेक करते हो ना तो थोड़ा सा आपको यहाँ से इसे निकाल के देखना है, तो ऊपर वाले डायरेक्शन में देखना है, मतलब आपको पता चलेगा कि गोल्डन गोल्डन आपके हेयर हो चुके हैं, तो पता चल जाएगा कि आपका ब्लीच हो चुका है।
वैसे आपको आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैंने बता ही दिया है कि इतने इतने मिनट रखना है, तो आपको ज़्यादा मतलब वो चेक वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको तसल्ली के लिए आप चेक कर सकते हो आपके, और थोड़ा सा आंखों से बचा के इसे अप्लाई करना है आपको, नहीं तो। और इसे जैसे ही अप्लाई करते हो तो आंखें बंद करके आपको रख देना है, मतलब रखना है। तो एक मिनट थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ, मुझे दिख नहीं रहा। और आईब्रोज से भी बचा के आपको लगाना है इसे, नहीं तो आईब्रोज भी गोल्डन हो जाएंगे आपके। अभी आंखों में थोड़ा सा जलन होना स्टार्ट हो चुका है, ये कॉमन बात है अगर आप ब्लीच अप्लाई करते हो तो आंखों में थोड़ा सा होता है, तो इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब आंखों में थोड़ा सा पानी आए या कुछ भी, तो जैसे ही ब्लीच अप्लाई होता है तो आपको आंखें बंद करके सो जाना है, मतलब सो जाना मीन्स आपको आंखें बंद करके रखना है, नहीं तो आप सो जाओगे और ब्लीच वैसे के वैसे रहेगा। तो मैं नेक पर भी अप्लाई कर लेती हूँ जल्दी से, मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है फेस एंड नेक पे। तो अभी इसे मुझे रखना है 15 मिनट, मतलब अगर आप फेयर स्किन टोन वाले हो तो आप 20 मिनट रख सकते हो, बट मैं अभी 15 मिनट रखने वाली हूँ इसे, और इसके बाद रिमूव करने वाली हूँ। तो उससे आपको पानी से भी आप डायरेक्ट वॉश कर सकते हो 15 मिनट रखने के बाद, या आप कोई स्पॉन्ज से पहले इसको रिमूव करो और उसके बाद आप पानी से वॉश करो। सिर्फ आपको फेस वॉश नहीं लगाना है, कोई भी फेस वॉश नहीं लगाना है इसको अप्लाई करने के बाद, आपको 12 आवर के बाद फेस वॉश यूज़ करना है कोई भी, मतलब आप जब भी ब्लीच वगैरह करते हो या फेशियल करते हो तो आपको कोई भी फेस वॉश जो है वो आपको 12 आवर के बाद ही यूज़ करना होता है। तो आप 12 आवर के बाद यूज़ करिए फेस वॉश, और अभी सिर्फ नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए, ज़्यादा गर्म पानी भी यूज़ नहीं करना है। गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हो या ठंडा पानी ही आप यूज़ कर सकते हो। तो बस इसे मैं 15 मिनट के बाद रिमूव कर लूँगी और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइस फेस वॉश कर लिया है मैंने, और अभी क्रॉप टॉप पहना है देखने, क्रॉप टॉप मग इधर आ, सबको हाय बोल दो बाद में जाना, क्रॉप टॉप नहीं, अभी पहले हाय बोल दो सबको, सबको हाय बोलो ना, हाय बोलो मुंह से बोलो हाय हाय। ये छी 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 पापा छी छी, हाँ अद्विक बोलो हाय बोल दो हाय। हाँ कैसे हो, कैसे हो आप सब, छान आप नहीं बोल रही हो, आपको नहीं बोल रही हूँ, कैसे हो आप सबको पूछो, सबको पूछो कैसे हो आप, छान है, छान है। चलो जाओ वहां पर बैठो साइड में मम्मा। तो आप देख सकते हो ब्लीच से ही कितना ज़्यादा फर्क लग रहा है, मतलब टैनिंग काफ़ी ज़्यादा हट गई है मेरी, मतलब मुझे खुद को पता चल रहा है, आपको कैमरा में नहीं पता चल रहा होगा बट मैंने अभी क्लोज से देखा है ना, तो बहुत ज़्यादा टैनिंग ऐसे लग रही है कि हट गई है। तो अब मैं करने वाली हूँ फेशियल, तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये, जैसे कि आपको पता है VLCC का डायमंड फेशियल की। तो ये इसमें ना स्टेप दिए होते हैं आपको इस तरह से 1 2 3 4 5 6, तो 6 पैक आता है इसमें। तो 1 जो स्टेप वो क्लिंजर है क्लिंजर कम टोनर, तो इससे थोड़ा सा आपको लेना है और बस इससे आपको फेस क्लीन करना है। वैसे मेरा अभी फेस क्लीन ही है, फिर भी मैं ये स्टेप कर लेती हूँ। तो इसके इसमें ना आपको ज़्यादा स्टेप नहीं करना है, मतलब ज़्यादा इसमें मसाज नहीं करनी है, सिर्फ आपको थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में इसमें इस तरह से आपको सर्कुलर मोशन में ऐसे अप्लाई करना है, और बस जिस तरह से आप मैं कर रही हूँ, और बस इस तरह से नोज पे और इसी तरह से फोरहेड पे, तो इसी तरह से आपको थोड़ी देर के लिए इसे मसाज करना है। थोड़ा मैं पानी ले लेती हूँ हाथ में, और यहाँ पर मैंने एक कटोरी रखी है पानी की, तो इसमें थोड़ा सा डिप करके पानी में इसे क्लीन करना है, थोड़ी देर में वाइप कर लेना है आपको, और इस तरह से आपको करना है थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं करना है आपको क्लिनजिंग के लिए मसाज, क्योंकि आपको सिर्फ फेस क्लीन करना होता है इससे, टोन क्लिनजिंग होती है इससे आपकी, इतने ज़्यादा मसाज नहीं करना होता है। और स्क्रबिंग के टाइम पे भी इसी तरह से आपको मसाज करनी होती है। अब मेरी इससे मसाज हो गई है और मैं इसे वाइप कर लेती हूँ। इस तरह का अगर स्पंज आपके पास है तो स्पंज, नहीं तो आपके पास अगर हैंकी होगा तो उसे आप वेट करके हैंकी यूज कर सकते हो। बस इस तरह से आपको इसे वाइप कर लेना है। फिर सेकेंड स्टेप है स्क्रब, तो स्क्रब लेना है आपको थोड़ा सा, और इसका स्क्रब भी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब और ज़्यादा हार्श नहीं है इसका स्क्रब, तो इसीलिए अभी ये चेंज करके आ गया,
तो तो इस तरह से आपको स्क्रबिंग करनी है, सर्कुलर मोशन में ही ऐसे अप्लाई करना है स्क्रब। और ज़्यादा हार्श मतलब एक मिनट अद्वि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हार्ड हाथों से नहीं अप्लाई करना है इसे आपको, मतलब बिल्कुल लाइट हैंड से इसे अप्लाई करना है आपको इस तरह से, और सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है बिल्कुल लाइट हैंड से। जब भी आप स्क्रब करते हो तो बिल्कुल लाइट लाइट हैंड से आपको स्क्रबिंग करनी होती है, नहीं तो ज़्यादा हार्ड हाथों से कर लोगे तो मतलब आपके रैसेज होने का डर रहता है आपके फेस पे और रेड होने का डर रहता है ऐसे। और बहुत सारे लोग स्क्रबिंग करते टाइम बहुत ज़्यादा हार्ड हाथ यूज़ करते हैं, हार्ड हैंड नहीं यूज़ करना चाहिए। बस इसी तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करनी है 5 मिनट आपको, 3 से 5 मिनट आपको इस तरह से मसाज करनी है। और उस तरह उसके बाद आपको ये भी स्पंज से वाइप कर लेना है, आप पॉज भी कर सकते हो। स्क्रब भी आपको ना थोड़ा सा मतलब 3 मिनट तक आपका स्क्रब ये सफिशेंट है, आप 3 मिनट तक स्क्रब करिए और उसके बाद वाइप कर लीजिए इस तरह से। और स्क्रब के पार्टिकल्स बिल्कुल रहने नहीं चाहिए, इस तरह से आपको वाइप करना है, नहीं तो आपको वॉश कर लेना है। और स्क्रब के पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, नहीं तो हम जब जेल यूज़ करते हैं या मतलब उसके बाद जो मतलब क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं मसाजिंग के लिए तो उसमें बीच बीच में आते हैं पार्टिकल्स, तो वो मतलब थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है, तो इसी वजह से स्क्रब के पार्टिकल्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। अच्छे से आपको फेस को क्लीन करना है, नहीं तो वॉश कर लेना है डायरेक्टली। थर्ड जो स्टेप है वो है डायमंड डिटॉक्स लोशन, तो ये वाला स्टेप ना थर्ड स्टेप मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद ये लोशन अप्लाई करूँगी, उसके बाद अच्छे से मसाज करूँगी। तो इसकी मसाज ना आपको 5 मिनट तक करनी है। इसमें बहुत सारे स्टेप है, 6 स्टेप है, तो अच्छे से आपको मसाज करनी है। और सर्कुलर मोशन में आपको इस तरह से, अद्विक ना गाड़ी चला रहा है थोड़ा सा आवाज़ आएगा पीछे से, अद्विक थोड़ा अद्विक रुक जाओ मैं बात कर रही हूँ बेटा। तो इस तरह से सर्कुलर मोशन में चीक्स पे आपको मसाज करनी है, फिर माउथ के अराउंड इस तरह से मसाज करनी है आपको, फिर नोज पे इस तरह से करनी है, और आइज के अराउंड इस तरह से करनी है। पहले क्लॉकवाइज करनी है, फिर एंटी क्लॉकवाइज करनी है आपको इस तरह से, और ये वाली फिंगर से करना है, मतलब बिल्कुल हल्के हाथों से, हल्के हैंड से, बट ये जो फिंगर है बिल्कुल हल्की हल्की सी अप्लाई करनी है आपको। पहले क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। और ये जो है आपके आप जब सर्कुलर मोशन में मसाज करो ये अपर डायरेक्शन में करनी है आपको, इस तरह से अपर डायरेक्शन में। कोई कोई क्या करता है इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में करता है, तो वो आप स्टेप गलत कर रहे हो। इस तरह से आपको फिर फोरहेड पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में इस तरह से इसे मसाज करनी है। बस इसी तरह से आपको पूरे फेस पे मसाज करनी है। थोड़ा सा पानी लेना है आपको साथ में, तो मैं 5 मिनट तक मसाज कर लूँगी, फिर मिलती हूँ आपसे। के बाद की जो स्टेप है वो है डायमंड मसाज जेल, तो जेल तो जेल की तरह ही होगा इस तरह से, और बहुत ही अच्छा मतलब चमकने वाला जेल आता है इसमें। अद्वी को बहुत बार बोलना पड़ रहा है, अद्वी का खेलने का टाइम है इसलिए। और ना इस तरह से जेल आता है और बहुत ज़्यादा चमकता है ये जेल अद्वी। तो बस जेल से भी सेम मसाज करनी है आपको क्रीम की तरह ही। सो गाइज उसके बाद की स्टेप है डायमंड वॉश ऑफ मास्क, तो ये मास्क मैं अभी अप्लाई करने वाली हूँ क्योंकि सारे स्टेप हो चुके हैं और अभी मास्क अप्लाई करने की बारी है। तो बस मास्क अप्लाई कर लूँगी और इसका ड्राई होने का वेट करूँगी। तो इसी तरह से अभी मास्क को अप्लाई करना है आपको, ये क्रीम फॉर्म में आता है मास्क, तो बस। और जेल से ना मैंने सेम मसाज उसकी तरह ही की है जिस तरह से क्रीम से मसाज की थी, तो बस इसी तरह से आपको अप्लाई कर लेना है मास्क को भी और इसके ड्राई होने तक वेट करना है और मास्क रिमूव करना है, उसके बाद का स्टेप मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज मास्क अप्लाई कर लिया है मैंने और अभी से आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा फेस पे, मतलब टैनिंग तो काफ़ी ज़्यादा हट गई है और मुझे भी फ़र्क लग रहा है अभी ये मास्क मतलब
रिमूव करने के बाद पता चलेगा, ग्लो तो आएगा ही पक्का, डेफिनेटली ग्लो आएगा। और उसके बाद मतलब टैनिंग तो मेरी हटने ही वाली है क्योंकि मुझे अभी से पता चल रहा है। आपको कैमरा में नहीं इतना ज़्यादा पता चलेगा, बट खुद जब आप अप्लाई करोगे या खुद जब आप ये करोगे मतलब यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। मुझे तो ये डायमंड किट अच्छी लगी, मतलब जब से मैं यूज़ कर रही हूँ इसे, दो मतलब एक बार पहले भी यूज़ किया है मैंने इसे, शेयर किया था उस टाइम भी, और सेकेंड टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ इसे। तो मैं ज़्यादा मतलब इतना टाइम नहीं मिलता है मुझे इस तरह से फेशियल वगैरह करने का, बट जब भी करती हूँ तो आपके साथ शेयर करती हुई। इसका जो प्राइस है गाइस मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, हम लोग जब पार्लर में जाते हैं तो पार्लर में एक टाइम में ही इससे ज़्यादा पैसे दे के आते हैं हम लोग। 350 रुपीज़ इसका प्राइस है और इससे आराम से 3 फेशियल तो आपके हो ही जाएंगे, तो इसी वजह से। और इसकी जो शेल्फ लाइफ आपको मिलती है वो 3 ईयर्स मिलती है, तो नहीं आप एक बार ले लोगे तो आपका 3 बार फेशियल, आप एक साल में एक बार भी फेशियल कर लोगे इससे तो आपका 3 साल आराम से ये चल जाएगा। और एक बार अगर आप मतलब 3 बार आप फेशियल करते हो तो आपका मतलब 150 रुपये से भी कम में ये फेशियल हो जाएगा। तो आपके एक बार में इतने ज़्यादा मतलब जितने ये किट के पैसे है उससे ज़्यादा आपके जो पैसे है वो एक बार में चले जाएंगे पार्लर में अगर आप फेशियल करने जाते हो। घर पे अगर फेशियल करते हैं हम तो थोड़ा सा हमें कंफर्टेबल भी लगता है, तो इसी वजह से मैं तो घर पे ही करती हूँ ज़्यादातर, मतलब ज़्यादातर मेरा घर पे ही फेशियल होता है, या ब्लीच भी घर पे ही होता है। तो इसी वजह से नॉलेज है तो क्यों ना करें हम लोग फेशियल घर पे ही, और इतना ज़्यादा पैसा हम लोग बर्बाद करने से घर पे ही पैसा हमें बच जाता है तो हमारा क्यों ना अच्छा है। और अभी मैं इसे ड्राई होने तक वेट करूँगी, उसके बाद ना ये वाला ये है मतलब ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है तो ये यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। और ना मैं आपको बताना भूल गई कि इसके साथ ये VLCC का आयुर्वेदा व्हाइट एंड ब्राइट ग्लो जेल क्रीम फ्री मिलता है। इसका प्राइस है 99 रुपीज़, इसका प्राइस यहाँ पर लिखा है 99 रुपीज़ का ये जो जेल क्रीम है वो आपके साथ आपको फ्री मिलता है। ये SPF 25 के साथ आता है, ये भी काफ़ी अच्छा है, पैराबेन फ्री है, मतलब मैंने यूज़ नहीं किया है बट इस पर लिखा है पैराबेन फ्री है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है इसको यूज़ करने से। तो ये भी मतलब बताना भूल गई थी मैं आपको, तो इसी वजह से बता दिया। हे गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करना है अभी, तो इसी वजह से मैं रेडी हुई हूँ। और हाँ, अब फेशियल का ग्लो कैसे आ रहा है ये बताइए मुझे, मतलब ज़्यादा मेकअप नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा बीबी क्रीम लगाई है, मतलब हाँ बीबी क्रीम ही, और बस ये डार्क वाली लिपस्टिक। हाँ, ये लिपस्टिक के बारे में आपने पूछा था कि ये वाली लिपस्टिक कौन सी है, तो ये शुगर की स्मज मी नॉट लिपस्टिक है, लिक्विड लिपस्टिक, और उसका नाम फेरी बेरी 17। मैंने आपको बताया भी था, मतलब किसी ने मुझे पूछा था उसमें कम्युनिटी पे, तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर बताया भी था, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से है, और ये ना शेड थोड़ा सा मतलब मरूनिश डार्क, मतलब पिंकिश मरूनिश कलर है, मतलब इस तरह से, और मुझे बहुत ज़्यादा ये कलर पसंद है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये कलर पसंद है। और आप देख सकते हो मुझ पर सूट भी होता है ये वाला कलर। और हाँ, अभी मैं एक वीडियो शूट करने वाली हूँ, तो उससे पहले मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कितना अच्छा ग्लो आया है, और थोड़ा सा मैंने उसके बाद वो किया था, क्या बोलते थे उसे, मैंने फेस वॉश यूज़ नहीं किया, उसके बाद मैंने वो मॉइस्चराइज़र यूज़ किया था, ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र, उसमें ही आया था वो वाला मॉइस्चराइज़र, और काफ़ी अच्छा ग्लो आता है। और हाँ, अपना अगर ब्लीच करने के बाद फेशियल करते हो ना तो बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, अगर सिंगल फेशियल आप करते हो तो इतना अच्छे से ग्लो, मतलब ग्लो तो आता है बट इतने अच्छे से उसका रिजल्ट नहीं आता है जितना अच्छे से उसका रिजल्ट ब्लीच करने के बाद आता है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और नेक भी काफ़ी ज़्यादा फेयर लग रहा है, फेस भी काफ़ी ज़्यादा फेयर लग रहा है, आपको डिफरेंस क्लियरली नज़र आ रहा होगा। और हाँ, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग अगर मैं इसे खींचती जाऊँगी, तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। और आई होप आपको ये मतलब छोटा नहीं है, मैं ना एडिट करती हूँ तब पता चलता है कि ब्लॉग छोटा नहीं, मैं हमेशा बोलती हूँ आपको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, छोटा सा ब्लॉग पसंद आया, बट जब एडिट करती हूँ तब पता चलता है कि कितना बड़ा हो गया है ब्लॉग। तो आई होप ये आपको बड़ा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मेरा इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। और इस जो किट है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फेशियल किट का। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।